डेली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वाउचर एंट्री करना। जितने भी हमारे बिजनेस में लेन देन होते हैं उन सब की एंट्री वाउचर के जरिए डेली में करना, इसको वाउचर एंट्री कहा जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रा वाउचर के जरिए एंट्री कैसे करते हैं ये सीखेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर में हम बैंक और कैश के बीच में जो लेन देन होते हैं उसकी ही एंट्री करते हैं, जैसे कि बैंक में कैश जमा किया, बैंक से कैश निकाला, बैंक में चेक जमा किया, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए, तो इन सब की एंट्री हम करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। वाउचर एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पर वाउचर को कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे या फिर राइट साइड में यहाँ पर देखिए F12 कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर हमें वाउचर एंट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, कीबोर्ड से शॉर्टकट V प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं वाउचर एंट्री से रिलेटेड। पहला ऑप्शन है स्किप डेट फील्ड। अगर आप एंट्री करते समय डेट फील्ड को स्किप करना चाहते हैं तब आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको N प्रेस करके नो करेंगे और टैप प्रेस करेंगे। नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यूज सिंगल एंट्री मोड। डेली में दो तरह के एंट्री मोड होते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डुअल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री में क्या होता है कि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, या तो डेबिट का या क्रेडिट का, जबकि डुअल एंट्री मोड में दोनों ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। जब हम किसी अमाउंट की एंट्री कर रहे होते हैं तो सेम टाइम पर हम उसको डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं डुअल मोड में। तो आपको सिंगल एंट्री मोड यूज करना है या फिर डुअल एंट्री मोड यूज करना है, ये आप यहां से चूज करेंगे। जैसे कि इंडिया में मोस्टली डुअल एंट्री मोड ही यूज किया जाता है, तो हम यहां पर यस करेंगे और टैप प्रेस करेंगे। अब यहां पर है यूज पेमेंट रिसीव्ड एज कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आप पेमेंट और रिसीव्ड वाउचर को एज ए कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना चाहते हैं तब आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रहने दीजिए। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे। यहां पर है कि टू और बाय की जगह पर आप क्रेडिट और डेबिट यूज करना चाहते हैं या नहीं, तो हम टू और बाय की जगह पर डेबिट और क्रेडिट यूज करेंगे, इसके लिए हम इसको वाई प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपको डेबिट और क्रेडिट यूज नहीं करना बल्कि आपको टू और बाय यूज करना है तब आप इसको नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है इनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में अगर आप चेक प्रिंटिंग को इनेबल करना चाहते हैं तब आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रहने देंगे। चलिए हम इसको यस कर देते हैं। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है नेगेटिव कैश बैलेंस पर वार्निंग चाहिए या नहीं। जब भी आप कहीं ऐसी एंट्री करेंगे जिससे बैलेंस नेगेटिव होता है तो अगर आप इसको यस करेंगे तो वहां पर आपको एक वार्निंग मिलेगी कि यहाँ पर बैलेंस नेगेटिव हो रहा है, तो इस वार्निंग को यहाँ से आप यस या नो कर सकते हैं। चलिए हम इसको यस रखेंगे। इसके बाद बस आप टैप प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए और इसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। देखिए सेव हो चुका है। इसके बाद हम बैक आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली एंट्री हम करेंगे कि HDFC बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किए, तो इसके लिए हमें एंट्री तो करनी ही है लेकिन लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा HDFC बैंक का। तो इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, यहाँ से लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं HDFC बैंक। टैप प्रेस करेंगे। इसका अगर आप कोई उपनाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। टैप प्रेस करेंगे। इसको हम रखना चाहते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर हम B प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट्स आ गए हैं, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट्स चूज कर लेंगे। अकाउंट होल्डर नेम में यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा HDFC बैंक अकाउंट कंपनी के नाम से ही है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे। चलिए हम टाइप कर देते हैं। नीचे यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFS कोड डालना होगा, ये भी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पर बैंक का नेम नोट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर आप यहाँ पर बैंक का नेम भी देना चाहते हैं तो इसकी आपको पहले से ही लिस्ट बनानी होगी, लेकिन हम इसको नोट एप्लीकेबल कर देते हैं। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप ब्रांच नेम डाल देंगे। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पर है सेट चेक बुक्स का ऑप्शन। अगर आप चेक बुक यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करेंगे, टैप प्रेस करेंगे और यहाँ से आप चेक बुक को सेट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास एक चेक बुक है, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर टू नंबर डालेंगे कहाँ तक है। जैसे कि हमारे पास है 654565 से 654570 तक,
नंबर ऑफ चेक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हमारे पास 6 चेक्स हैं, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर चेकबुक का आपको एक नेम डाल देंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं HDFC बैंक, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही चेकबुक है तो हमने उसको ऐड कर दिया है। बैंक से जब आपको एक चेकबुक मिलती है तो उस पर स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर होते हैं, तो स्टार्टिंग नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और एंड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि उस चेकबुक में कितने चेक्स हैं, यहाँ पर आप नेम डाल देंगे। इसके बाद आप टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, इसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का, अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करके टैप प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जब भी आप किसी चेक को प्रिंट करेंगे तो उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, क्या विड्थ होनी चाहिए, लेफ्ट राइट में कितनी स्पेस छोड़नी है, पाई नेम क्या होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये कॉन्फ़िगर नहीं करना, तो हम बैक आएंगे और इसको हम नो करके टैप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर है मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस में यहाँ पर बैंक का नेम आ गया, यहाँ पर हम पूरा एड्रेस डाल देते हैं, टैप प्रेस करेंगे, कंट्री आ गई है, यहाँ पर स्टेट आ गई है, यहाँ पर हम एक पिन कोड डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको कोई ओपनिंग बैलेंस डाल देना है, अगर आपके बैंक में कुछ पैसा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे HDFC बैंक में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर 1,00,000 रुपया डाल देते हैं, टैप प्रेस करेंगे। इस अमाउंट को आप डेबिट करना चाहते हैं या क्रेडिट, ये आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। इसके बाद टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वाई प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर लेजर बैंक का क्रिएट हो चुका है। अब हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे। हमें एंट्री करनी थी कि HDFC बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किए गए, तो इसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर को ऑन करेंगे, इसके लिए हम प्रेस करेंगे F4, कॉन्ट्रा वाउचर आ चुका है, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम अकाउंट चूज कर लेंगे HDFC बैंक, देखिए यहाँ पर लिस्ट से हम चूज कर लेंगे। HDFC बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल आपको पता ही है कि डेबिट द रिसीवर, तो HDFC बैंक क्योंकि 1,00,000 रुपए ले रहा है, हम इसमें जमा कर रहे हैं, तो ये रिसीवर हो गया और रूल है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा। अब हमें क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट करने के लिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट चूज कर लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 1,00,000 रुपया। यहाँ पर देखिए वार्निंग आ गई है कि 1,00,000 रुपए का निगेटिव कैश है, मतलब कि आपके कैश में अमाउंट नहीं है। अब जो आप 1,00,000 रुपए यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं ये निगेटिव में जाएगा, तो हम कोई भी की यहाँ पर प्रेस करेंगे, वार्निंग यहाँ से गायब हो जाएगी। इसके बाद टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से आप डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि 1,00,000 रुपया हमने जमा किया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे कि बैंक में जो हमने 1,00,000 रुपए का कैश जमा किया है तो नोट कौन कौन से थे, जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं कि 2,000 रुपए के 50 नोट थे, तो ये 1,00,000 रुपए हो गया, टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप डेट डाल देंगे किस डेट को ये जमा किए गए हैं, यहाँ पर आप एक नैरेशन डाल सकते हैं, नैरेशन एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होता है, जितनी भी डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल की है, अगर इसके अलावा कोई और डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं तो आप नैरेशन में डाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप नैरेशन टाइप करेंगे, टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वाई प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अब इसी तरह से जैसे कि हमें एंट्री करनी है कि 2,00,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किए गए, तो उसके लिए हम इसी तरह से एक लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ लेजर में आएंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ पर बैंक का नेम डाल देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टैप प्रेस करेंगे, कोई उपनाम यहाँ पर हम दे सकते हैं, जैसे कि हम दे देते हैं SBI, टैप प्रेस करेंगे, ये बैंक के अंडर रहेगा। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम आ गया है, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं, नीचे यहाँ पर IFS कोड डाल देंगे, टैप प्रेस करेंगे, इसमें चेकबुक अगर आपके पास कोई है आप उसको सेट करना चाहते हैं तो यस करके उसी तरह से आप यहाँ चेकबुक के नंबर डालेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग, अगर चेकबुक नहीं है तो नो प्रेस करके टैप प्रेस करेंगे, पिन कोड हम यहाँ पर डाल देंगे, इसके बाद टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो टैप प्रेस करेंगे और यहाँ इसको यस करेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर क्रिएट हो चुका है, इसके बाद हमें एंट्री करनी है कि 2,00,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किए गए, इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर ऑलरेडी इनेबल है, अगर इनेबल नहीं है तो आप F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट चेंज करेंगे, डेट यहाँ पर डाल दी है, इसके बाद टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम टेली को एजुकेशनल मोड में यूज कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट सेकेंड की ही यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पर मैं 11 सितंबर डालता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है, और इसके बाद टैप प्रेस करूंगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि एजुकेशन मोड में आप सिर्फ फर्स्ट सेकंड डेट की ही एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेप्टेम्बर डाल देते हैं। टैप प्रेस करेंगे और यहाँ से अकाउंट चूज करेंगे। इसमें हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करेंगे, तो इसको हमने चूज कर लिया है। यहाँ पर क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 2,00,000 रुपए। टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वार्निंग आ जाएगी कि कैश निगेटिव हो रहा है। हम टैप प्रेस करके और नीचे आएंगे, यहाँ से हम अमाउंट डालेंगे 2,00,000 रुपए। डेट यहाँ पर आ गई है। यहाँ से आप चूज कर लेंगे कितने नोट हैं जो आपने बैंक में जमा किए हैं। तो हम यहाँ पर 2,000 रुपए के 100 नोट चूज कर लेते हैं। टैप प्रेस करेंगे, 2,00,000 रुपए हो गए। टैप प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप कोई डायरेक्शन डाल सकते हैं। इस तरह से हमने डायरेक्शन डाल दिया है। टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर वाई प्रेस करके डायलॉग बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो देखिए ये एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। अब जैसे कि हमें एंट्री करनी है कि 2,00,000 रुपए का चेक HDFC बैंक में जमा किया गया, तो चेक को एज ए कैश ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री भी सेम वैसे ही होगी जैसे कि कैश को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया था। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, कॉन्ट्रा यहाँ पर चूज करेंगे, F4 प्रेस करके यहाँ पर पहले डेट डाल देंगे, इसके बाद टैप प्रेस करेंगे। डेबिट करना है हमें HDFC बैंक को क्योंकि वो रिसीवर है, HDFC बैंक चूज करेंगे। यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, 2,00,000 रुपए का चेक है। नरेशन में हमने डाल दिया है कि ये चेक है। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। अब जैसे कि हमें एंट्री करनी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2,00,000 रुपए निकाले, तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पर डेट डालेंगे किस डेट को आपने ये कैश निकाला है, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं 1st सितंबर। टैप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट चूज करेंगे और यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकाला है, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करेंगे। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 2,00,000 रुपए। टैप प्रेस करेंगे। अगर आपने चेक से पैसा निकाला है तो आप यहाँ पर चेक चूज करेंगे, वरना आप यहाँ पर कोई और मोड भी चूज कर सकते हैं। अमाउंट यहाँ पर आ गया है, टैप प्रेस करेंगे। डेट आ गई है, इसके बाद टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पर कोई नरेशन टाइप करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने नरेशन टाइप कर दिया है। टैप प्रेस करेंगे और यहाँ डायलॉग बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे। ये एंट्री हो चुकी है। इसी तरह से जैसे कि हमें एंट्री करनी है कि HDFC बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,00,000 रुपए डिपॉजिट किए या ट्रांसफर किए, तो उसके लिए भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करेंगे। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर आ गया है। अगर नहीं आता है तो आप F4 प्रेस करेंगे। टैप प्रेस करेंगे, पहले तो आप डेट यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं 1st सितंबर 2019। टैप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा क्रेडिट होना है, ये आपको चूज करना है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसके बाद यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक को, क्योंकि रूल है कि क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर HDFC बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं 2,00,000 रुपए। टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पर बाय चेक या फिर बाय कैश, ये आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चेक नंबर यहाँ पर आ गया है, टैप प्रेस करेंगे। नीचे यहाँ पर नरेशन डालेंगे, टैप प्रेस करेंगे और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसको हम बाय प्रेस करके यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर HDFC बैंक से 2,00,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुके हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ बैंक और कैश के बीच में जो लेन देन होते हैं या बैंक से बैंक के बीच में जो लेन देन होते हैं उन्हीं की एंट्री की जाती है। आप कॉन्ट्रा वाउचर में आएंगे, डेट चूज करेंगे, इसके बाद जिस अकाउंट को भी आप डेबिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को चूज करेंगे डेबिट करने के लिए और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। यहाँ पर 50,000 रुपीज डालेंगे, टैप प्रेस करेंगे। किस मोड में आप ये रिसीव कर रहे हैं हम यहाँ पर चेक चूज कर लेते हैं। टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर नरेशन डालेंगे, टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, डायलॉग बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर 50,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैश में आ जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप कॉन्ट्रा वाउचर की प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में या फिर कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर करिए। जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे अगर उसका लेजर बना हुआ नहीं है तो आप लेजर क्रिएट करिए और यहाँ पर आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए, उसकी
एंट्री कीजिए।